पढ़ेंगे टाइम पीरियड, कैलकुलेशन ऑफ टाइम पीरियड, कैलकुलेशन ऑफ टाइम पीरियड इन स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, इन स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, है ना, इन स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। तो सबसे पहले बात आती है कि स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में या SHM में टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट करते हैं, या तो आप ये भी लिख सकते हो कैलकुलेशन ऑफ टाइम पीरियड इन SHM, वो अच्छा रहेगा क्योंकि वो फिर बाद में हम स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम एक अलग से टॉपिक डाल दें इन SHM। तो सबसे पहले क्या होता है बच्चों, मान लो कोई पार्टिकल SHM कर रहा है तो ऐसे कर रहा है इस मीन पोजीशन के अबाउट माइनस ए और प्लस ए, ये मीन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ये भी एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है, ये माइनस ए हो जाएगा और ये प्लस ए हो जाएगा, समझ में आया। पार्टिकल यहां पे SHM कर रहा है ऐसे ऐसे, ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू आइडेंटिफाई द मीन पोजीशन। कोई पार्टिकल अगर SHM कर रहा हो तो सबसे पहले हमें उसकी क्या आइडेंटिफाई करनी है, मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन कहां पे होती है, जहां पे एफ नेट जीरो होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक एफ नेट ऑन द पार्टिकल जीरो और आइडेंटिफाई द पोजिशन ऑफ, या आइडेंटिफाई द मीन पोजिशन, आइडेंटिफाई द मीन पोजिशन आइडेंटिफाई द मीन पोजिशन बाय पुटिंग एफ नेट इज इक्वल टू जीरो, जहां पे एफ नेट जीरो होता है, समझ में आया, वहां पे क्या होता है, मीन पोजिशन आ जाती है किसी भी वैल्यू ऑफ एक्स के कोरस्पोंडिंग, जहां पे नेट फोर जीरो हो वहां पे क्या आ जाती है, मीन पोजिशन, समझ में आया। ओके, नाउ सेकंड नाउ डिस्प्लेस पार्टिकल Now displaced particle from mean position, समझ में आया। ओके, अच्छी बात। इससे पहले अगर आप और एक और पॉइंट ऐड करूं तो वो और अच्छा रहेगा। नाउ फाइंड मीन पोजीशन एंड फोर्स रिलेशनशिप। नाउ फाइंड मीन पोजीशन एंड फोर्स रिलेशनशिप। धीरे धीरे समझ जाओगे आप कैसे, मैं बताता हूं। पहले पार्टिकल मीन पोजीशन पे है ना, हाँ अच्छी बात है, तो x इज इक्वल टू जीरो आपकी मीन पोजीशन होगी। अब क्या करना है आपको, मीन पोजीशन और फोर्स का रिलेशनशिप निकालना है। वो इस केस में नहीं होगा पर कई केसेस में आएगा, ठीक है, जहां पे आएगा मैं बता दूंगा। थर्ड पॉइंट, Now displace particle from mean position
बाय एन अमाउंट एक्स। अब उसको डिस्प्लेस करो यहां से एक्स, यहां पे आ गया, आप डिस्प्लेस कर दिया ना, यहां पे आ गया। तो जब आपने एक्स डिस्प्लेस किया इसको, तो इसमें जो फोर्स लगेगी इस पे, वो लगेगी ऐसे रेस्टोरिंग फोर्स, इसको बोल देते हैं यहां पे रेस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, कैस किधर लगेगी, इस डायरेक्शन में। तो एक्स की ये डायरेक्शन है, तो इस डायरेक्शन को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, इस डायरेक्शन को माइनस एक्स से, तो माइनस के एक्स। समझ में आया? ओके, अब आपको क्या लिखना है, नाउ ध्यान से देखना, नाउ अगेन राइट द फोर्स रिलेशन, अगेन राइट द फोर्स रिलेशन, द फोर्स रिलेशन अकॉर्डिंग टू टू द डिस्प्लेस्ड पोजिशन, अकॉर्डिंग टू द डिस्प्लेस्ड पोजिशन। धीरे धीरे समझ में आएगा, टेंशन मत लेना, ये स्टेप्स हैं, इनको याद दिलवा दिलवा के और फिर बात करूंगा मैं, अच्छी बात। अब इसके बाद में क्या करना है, नाउ कैलकुलेट एफ, या हम ये लिख देंगे नाउ कैलकुलेट एफ, या ये इक्वेशन लिख देंगे। फिर उसके बाद में हम बोलेंगे, उसके बाद हमने बोलेंगे राइट ए इज इक्वल टू एफ बाय एम एंड कंपेयर विद, कंपेयर ए विद, ध्यान से देखना, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये तो पता है ना आपको, जब पार्टिकल एसएचएम करता है तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। समझ में आया? और ए इज इक्वल टू एफ एम, एफ बाय एम। यहां पे ब्रैकेट में आप लिख सकते हो कैलकुलेट एफ नेट, कैलकुलेट एफ नेट, कैलकुलेट एफ नेट। समझ में आया? अच्छी बात है। अब क्या करेंगे बच्चों, जब इन दोनों को कंपेयर कर देंगे हम, तो हमारे पास ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना, हमारे पास ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी। या फिर मैं बोलूंगा कि अगर पार्टिकल एसएचएम कर रहा होगा, अगर पार्टिकल एसएचएम कर रहा होगा, तो हमारी फोर्स कुछ इस तरीके से आएगी, एफ इज इक्वल टू माइनस के सम कॉन्स्टेंट एक्स। आएगी या नहीं आएगी बच्चों, आएगी ना, एक बार बात बताओ, आएगी या नहीं आएगी? अरे आएगी ना, यस आएगी भाई। तो हमें क्या करना है, हमें के को लिखना है एम ओमेगा स्क्वायर, और यहां से ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी के बाय एम का स्क्वायर रूट। समझ में आया? हमारी जो फोर्स आएगी उसको इससे कंपेयर करना है, या फिर इसको लिख, एक्सेलरेशन को कंपेयर कर लो, तुम्हारी मर्जी है, जिसको करना हो कर लेना। अगर आप ये समझ में नहीं आ रहा बच्चों आपको, तो आपको क्या करना है मैं बता रहा हूं,
आपको करना है कंपेयर फोर्स, कंपेयर फोर्स ऑन पार्टिकल आफ्टर डिस्प्लेसिंग एक्स फ्रॉम मीन पोजिशन विद इक्वेशन एफ इजिकल्स टू माइनस के एक्स. नाउ एज वी नो के इज गस टू एम ओमेगा स्क्वायर, सो वी कैन राइट ओमेगा इज गस टू अंडर रूट के बाय एम. समझ में आया? और फिर उसके बाद में लिखेंगे एज वी नो टी इज गस टू टाइम पीरियड जो हमें कैलकुलेट करना था इज टू पाई बाय ओमेगा. कहने का मतलब क्या है, पार्टिकल अगर एस एच एम कर रहा है तो उसको पहले मीन पोजीशन निकालो और मीन पोजीशन की रिलेशनशिप फोर्स के साथ निकालो, फिर उसको डिस्प्लेस करो एक्स और यहां पे इस पे फोर्स कैलकुलेट करो. ठीक है, अब इस फोर्स को जो आपने कैलकुलेट किया है इस फोर्स को आप कंपेयर करो माइनस के एक्स के साथ में. ठीक है हाँ, और फिर उस k की वैल्यू जो भी आए उसको m ओमेगा स्क्वायर के बराबर पुट कर दो और यहां से ओमेगा निकाल लो. समझ में आया? हाँ. और उसके बाद में t इज इक्वल टू क्या होता है 2 पाई बाय ओमेगा, तो वहां पे ओमेगा की वैल्यू पुट कर दो, आपका टाइम पीरियड आ जाएगा. अब समझ में आया नहीं आया बच्चों? कुछ कुछ आया आइडिया आया कुछ? यस. अब आगे चलते हैं, देखो ध्यान से, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे और अच्छे से समझेंगे. आ जाओ सबसे पहले करते हैं कि अगर एक पार्टिकल है मेरे पास स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में, ये एक ब्लॉक है मेरे पास वो ऐसे रखा हुआ है जिसका मास क्या है m, जिसका मास क्या है m और जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है k स्प्रिंग का. याद रखना स्प्रिंग मासलेस है हमारी, स्प्रिंग क्या है मासलेस. ठीक है, अब अगर मैं इसको x डिस्टेंस डिस्प्लेस कर दूं फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन, अभी ये नेचुरल लेंथ पे याद रखना, कहां पे नेचुरल लेंथ, स्प्रिंग की लेंथ है l. ठीक है, तो बच्चों ध्यान से देखोगे इधर इस पे कोई फोर्स लग रहा है क्या? इधर इस पे कोई फोर्स लग रहा है अभी राइट नाउ? नहीं लग रहा ना. और नेचुरल लेंथ पे तो इधर भी कोई फोर्स नहीं लगेगा, हाँ कि ना? तो यही इसकी क्या हो जाएगी, मीन पोजीशन. दूसरी लाइन थी रिलेशनशिप निकालनी है, तो रिलेशनशिप क्या निकाले, कोई फोर्स ही नहीं लग रहा नेचुरल लेंथ पे. अब तीसरी बात थी नाउ डिस्प्लेस पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन विद अ डिस्टेंस एक्स, डिस्प्लेस कर दिया तो ब्लॉक यहां पे आ जाएगा. समझ में आया? नाउ कैलकुलेट फोर्स, फोर्स क्या आएगी माइनस के एक्स, हाँ कि ना? जल्दी बताओ शाबाश, क्या यही फोर्स आएगी? अरे हाँ कि ना? तो यहां पे x इक्वल्स टू जीरो था और यहां पे x इक्वल्स टू x है, जब पार्टिकल को इतना डिस्प्लेस किया तो ये फोर्स डेवलप हुई, वो हुई f इक्वल्स टू माइनस के एक्स. ठीक है, ओके, अच्छी बात है. तो ध्यान से देखो बच्चों, अब हम जानते हैं जो फोर्स है, ध्यान से देखना, ये फोर्स है, ये हमारी ऐसे आ गई. अब दूसरा क्या था, फोर्स को एम ए के बराबर इक्वेट कर देते हैं. तरीका देखना, दोनों तरीके हैं, फोर्स को एम ए के बराबर, फोर्स किसके बराबर होती है, एम ए.
एज वी नो एफ इज इक्वल टू एम, दोनों को इक्वेट कर दो तो ए की वैल्यू आ जाएगी माइनस के बाय एम इंटू एक्स, आएगी या नहीं आएगी? आएगी ना। नाउ कंपेयर इट विद ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, कंपेयर विद, समझ में आया? तो यहां से आपके पास ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट के बाय एम, आया क्या? और फिर आप लिख दोगे टी इज इक्वल टू टू पाई बाय ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू पुट कर दोगे वो आ जाएगी अंडर रूट एम बाय के, ये आ जाएगा आपका टाइम पीरियड। दूसरा क्या था कि आप जानते हो एफ इक्वल टू माइनस के एक्स है, तो आप बोल दोगे ओमेगा की वैल्यू आएगी सर अंडर रूट के बाय एम, ओमेगा की वैल्यू आएगी अंडर रूट के बाय एम, सीधा करना है तो डायरेक्ट दूसरा करने का तरीका देखो, मेथड सेकंड, आप जानते हो आप सीधा क्या लिखोगे, बिल्कुल स्टार्टिंग से बता रहा हूं, एफ इज टू माइनस के एक्स आ गया ना, अब आप जानते हो ओमेगा की वैल्यू होती है के बाय एम का स्क्वायर रूट, तो टी इज टू लिख दोगे टू पाई बाय ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू यहां पे रखी हुई है पुट कर दोगे, समझ में? ये अभी इजी प्रॉब्लम है, तब ऐसा नजर आया है, आगे चल के जाओगे तो तुम्हें अपने आप पता लग जाएगा, थोड़ा डिफिकल्ट भी होता जाएगा, ठीक है ना बच्चों? अच्छी बात है। अब दूसरा क्या होता है, दूसरा ध्यान से सुनना कि सर ये तो नॉर्मल क्वेश्चन था, आपने बता दिया, हमने कर लिया, इलस्ट्रेशन हो गया, अभी आपको लिखना है स्प्रिंग मास सिस्टम, टॉपिक डाल लो स्प्रिंग मास सिस्टम, तो नंबर वन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, सीरीज कॉम्बिनेशन ध्यान से देखना, मान लो हमारे पास कुछ इस तरीके से ऐसे स्प्रिंग वन, उसके बाद में दूसरी स्प्रिंग, दो स्प्रिंग है जो सीरीज में कनेक्टेड है, और उसके बाद में मास ब्लॉक सिस्टम, तो मास कनेक्ट, इसकी वैल्यू है मान लो K2 और इसकी वैल्यू है K1 और ये मास है M। आपसे पूछा जाए कि बताओ टाइम पीरियड क्या होगा, बताओ टाइम पीरियड क्या होगा इसका, जब मैं इसको डिस्प्लेस कर दूंगा x डिस्टेंस, तो बच्चों ध्यान से देखना, पहली बात जब x डिस्टेंस डिस्प्लेस करूंगा तो पहली बात तो ये बताओ इसके साथ कौन सी स्प्रिंग कनेक्ट है, क्या जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट k1 है, अरे क्या जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट k1 है वही कनेक्टेड है ना, हाँ कि ना? हाँ, तो इस पे फोर्स भी वही लगाएगी, तो फोर्स लगेगी इस पे f इज इक्वल टू माइनस k1 इंटू एक्स, समझ में आया नहीं आया? माइनस k1 इंटू एक्स, समझ में आया? जो रेस्टोरिंग फोर्स लगेगी वही बता रहा हूं, और अगर ये x डिस्प्लेस होगा तो सेम टाइम पे क्या दोनों बराबर, दोनों में बराबर एक्सपेंशन होगा x बाय टू, x बाय टू या कुछ और अलग होगा, तो हम लिखेंगे इसमें मान लो x1 हुआ, इसमें एक्सटेंशन हुआ x2, तो हमारे पास एक रिलेशन आ जाएगी x1 प्लस x2 इज इक्वल टू x, समझ में आया? x1 प्लस x2 इज इक्वल टू x, दोनों में जो एक्सटेंशन हुआ होगा, एक्सपेंशन हुआ होगा स्प्रिंग में, वही तो x के बराबर होगा, यस। दूसरी बात, अब इस इंस्टेंट पे जहां पे ये
ब्लॉक यहां पे है, किसी भी इंस्टेंट पे जब ये ब्लॉक यहां पे है, तो क्या स्प्रिंग जो सिस्टम है, ये ब्लॉक हमने यहां पे पकड़ा उस टाइम पे क्या ये दोनों स्प्रिंग रेस्ट पे थी? तो जो फोर्स ये स्प्रिंग इधर लगाएगी वही फोर्स ये स्प्रिंग इधर लगाएगी, मतलब कि K1X1 is equals to K2X2, यहीं पे लिख देता हूं K1X1 is equals to K2X2। अरे जब ये ब्लॉक यहां पे पहुंचेगा तो ये जो ज्वाइंट है इसका ये रेस्ट पे रहेगा, तो ये इधर क्या फोर्स लगा रहा होगा K2X2, सॉरी ध्यान से देखना, ये K2 है ना, तो इसमें मान लो एक्सटेंशन आया X2, और ये K1 है ना, तो इसमें एक्सटेंशन आया X1, समझ में आया? तो ये जो ज्वाइंट है इस पे ये स्प्रिंग जो फोर्स लगा रही होगी वो लगा रही होगी K2X2, और ये जो स्प्रिंग लगा रही होगी वो लगा रही होगी K1X1। जब ये ज्वाइंट रेस्ट पे होगा तो हम बोल देंगे K1X1 is equals to K2X2। सेकेंड इक्वेशन। अब बच्चों ध्यान से सुनना और अच्छे से समझना कि सर हमारे पास, अच्छे से समझना है, हमारे पास इस स्प्रिंग ने फोर्स लगाया इस पे, अरे इस स्प्रिंग ने फोर्स लगाया ना, इस स्प्रिंग ने इस पे ब्लॉक पे, तो ये स्प्रिंग कितना फोर्स लगाएगी, जितना इसमें एक्सपेंशन आया, इसमें एक्सपेंशन आया X1, तो आप लिखोगे K1X1, ये फोर्स लगेगी इस पे, F इज इक्वल टू इधर K1X1, समझ में आया? अरे आया नहीं आया भाई, जो ज्वाइंट है उसमें कितना एक्सपेंशन आया और उसका डायलेक्ट्रिक, उसका मैं बोलूंगा स्प्रिंग कॉन्स्टेंट क्या है, वही फोर्स लगेगी, ठीक है? हाँ, बट बेसिकली हमें तो सर फोर्स को इस फॉर्मेट में लेके आना है, एफ इज टू माइनस के एक्स, तो ये ना तो X1 होना चाहिए ना X2 होना चाहिए, ये X होना चाहिए, तो मैं कैसे ना कैसे X1 को X की फॉर्म में लिखूंगा। अब कैसे लिखूंगा ध्यान से देखो, इस इक्वेशन में देखो एक बार, X1 इज टू K2X2 अपॉन K1, लिख दो कैसे, अरे X1 की वैल्यू लिख दो कैसे, K2X2, अपॉन K1, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, X1 अपॉन X2 इज इक्वल टू K2 अपॉन K1, लिख सकते हो या नहीं लिख सकते बच्चों, हाँ कि ना? हाँ, और यहीं से मैं निकालूंगा, तो यहीं से मैं जो वैल्यूज निकालूंगा वो क्या निकालूंगा, X1 की वैल्यू निकाल लूं, बताओ, या X2 की निकालूं, चलो X2 की निकालता हूं, X2 की वैल्यू क्या आएगी, K1X1 अपॉन K2, X2 की वैल्यू आ गई बच्चों, इस X2 की वैल्यू को आप लोगों ने इसमें पुट करना है, इक्वेशन 1 में पुट करो, तो X1 प्लस K1X1 अपॉन K2 इज इक्वल टू X, सोल्व करोगे तो क्या आएगा, सोल्व करो शाबाश, आपके पास आएगा K2X1 प्लस K1X1 अपॉन K2 इज इक्वल टू X, फर्दर सोल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा, सर जी X1 इज इक्वल टू X इंटू K2 अपॉन K1 प्लस K2, अरे आएगा या नहीं आएगा, आएगा ना, तो क्या मैंने X1 की वैल्यू X के फॉर्मेट में लिख दी, यस yes। अब ध्यान से समझना है और अच्छे से करना है सब कुछ बच्चों, ये अभी लंबा चल रहा है, धीरे धीरे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो अब मैं क्या करूंगा, X1 की वैल्यू यहां से पुट कर दूंगा, इसमें पुट की, सोल्व करने लग गया, X1 की वैल्यू यहां पे पुट करूंगा,
एफ इजक्स टू माइनस के वन, एक्स वन की वैल्यू आएगी एक्स इंटू के टू अपॉन के वन प्लस के टू। जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा माइनस के वन के टू अपॉन के वन प्लस के टू इंटू एक्स, आ गया। तो अब इसको कंपेयर कर लो किससे, एफ इजक्स टू माइनस के एक्स, कंपेयर कर लोगे इस इक्वेशन को इससे, तो आप इसको नाम दे दो आप इक्वेशन थ्री और इक्वेशन फोर। तो यहां पे जो k होगा उसको हम नाम दे देते हैं k इक्विवेलेंट, क्या नाम देते हैं k इक्विवेलेंट। तो यहां पे बच्चों k इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी आपके पास k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा ओमेगा इज इक्वल टू, या मैं सीधा लिख दूं t की वैल्यू क्या होती है टू पाई अंडर रूट m बाय के इक्विवेलेंट, समझ में आया। के इक्विवेलेंट की वैल्यू पुट कर दोगे, अरे कर दोगे क्या, तो सीधा आ जाएगा टाइम पीरियड एम अपॉन के वन के टू, के वन इंटू के टू, सॉरी के वन इंटू के टू इंटू के वन प्लस के टू, समझ में आया। तो बेसिकली यहां पे पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करता हूं तो मैं सीधा बोल दूंगा आप लोगों को कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो k इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी वो आएगी 1 बाय के वन प्लस 1 बाय के टू इसके बराबर। इसको सोल्व करोगे तो ऐसे ही आएगा ना, अरे आएगा या नहीं आएगा, इसको सोल्व करोगे तो कुछ इस तरीके से आएगा, नहीं आएगा, देखो ध्यान से, इसको इधर ले आओ और इसको उधर ले जाओ तो आएगा k1 प्लस k2 अपॉन k1 k2 इक्वल्स टू 1 बाय k इक्विवेलेंट। अब इसको इससे डिवाइड कर दोगे तो क्या आएगा 1 बाय k2, इन दोनों को इससे डिवाइड कर दोगे तो क्या आएगा, इसको डिवाइड कर दो इन दोनों से और k1 को डिवाइड कर दो इन दोनों से, तो आपका आंसर आएगा दिस, समझ में आया। तो अगर n नंबर ऑफ ऐसे स्प्रिंग कनेक्टेड होगी तो आप k इक्विवेलेंट निकाल लोगे, k इक्विवेलेंट निकाल लोगे तो टाइम पीरियड भी निकाल लोगे ना, अच्छी बात है, आ जाओ। तो अब लिखो पैरेलल कॉम्बिनेशन k इक्विवेलेंट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन में के इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं ध्यान से देखना। वही ले लो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, दो स्प्रिंग है मान लो, एक का स्प्रिंग कांस्टेंट है के वन, दूसरे का स्प्रिंग कांस्टेंट है k2, दिस इज k1 एंड दिस इज k2, ये मास है m। अगर मैं इसको डिस्प्लेस कर दूं x डिस्टेंस तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा ये यहां। तो बच्चों ये बताओ इस ब्लॉक के साथ जब ये स्प्रिंग इतना एक्सटेंड कर देंगे हम x, तो इस ब्लॉक के साथ कौन कौन सी स्प्रिंग कनेक्ट होगी, दोनों कनेक्ट होगी तो दोनों स्प्रिंग फोर्स लगाएंगे, है ना, और दोनों स्प्रिंग में क्या सेम एक्सपेंशन आएगा x1 सॉरी x और x, है ना, हाँ। तो आप बोल दोगे इसके ऊपर नेट फोर्स लग रहा है वो लग रहा है k1x और दूसरा, बताओ बच्चों, अरे बताओ, दोनों की दोनों कनेक्ट रहेंगी ना, हाँ, जब दोनों की दोनों कनेक्ट रहेंगी तो दोनों के दोनों में सेम एक्सपेंशन आएगा और दोनों की वजह से फोर्स लगेगी ये k1x और k2x। जब दो फोर्सेस लगेगी तो हम बोल देंगे अभी जो फोर्स लग रही है वो लग रही है माइनस k1x एंड माइनस k2x,
तो लिख दोगे आप माइनस के वन प्लस के टू इंटू एक्स, समझ में आया, आया क्या? यस। अब आप इसको जब भी कभी ऐसे दिखाई दे, आप इसको कंपेयर करना है माइनस के इक्विवेलेंट इंटू एक्स, माइनस के इक्विवेलेंट इंटू एक्स। जब कंपेयर करोगे दोनों को, इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को, तो यहां से के इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी के वन प्लस के टू, समझ में आया, आया क्या? तो बच्चों अब टाइम पीरियड निकाल लोगे, निकाल लोगे क्या? अरे टाइम पीरियड निकाल लोगे है ना, वैसे तो फिर क्या दिक्कत है, टाइम पीरियड निकाल लोगे आराम से। ओके, तो एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, सभी ने करना है, याद रखना जब पैरेलल में होंगे तो डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे के वन के टू, और सीरीज में होंगे तो रेजिस्टेंस जब पैरेलल में होता है उस तरह ऐड होंगे, वन बाय के वन प्लस वन बाय के टू वन बाय के थ्री। अब एक क्वेश्चन करना है, ठीक है, सभी ने आ जाओ, बच्चों दो स्प्रिंग है, ऐसे और उसके साथ एक और स्प्रिंग अटैच है, इसकी वैल्यू के है, इसकी वैल्यू के है और इसकी वैल्यू के, तीनों स्प्रिंग की वैल्यू के है, ये मास एल। बताओ जब मैं इसको डिस्प्लेस करूंगा एक्स फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन, तो इसके के इक्विवेलेंट की पहले तो आपको वैल्यू निकालनी है, बताओ के इक्विवेलेंट क्या होगा, पहले तो ये बताओ, बताओ के इक्विवेलेंट क्या होगा इसका, जल्दी बताओ, शाबाश, के इक्विवेलेंट क्या होगा, शाबाश बच्चों बताओ, देखो ध्यान से, ये दोनों पैरेलल में, पैरेलल में होगा तो क्या हो जाएगा, ये के वन प्लस के टू, तो इन दोनों स्प्रिंग को मैं एक स्प्रिंग से रिप्लेस कर देता हूं, और जिसके के की वैल्यू क्या हो जाएगी, टू के है ना, और तीसरी स्प्रिंग तो ऐसे ही रखो, ये टू के और ये के, ये क्या हो गए सीरीज में, तो इसको लिख दोगे वन बाय के इक्विवेलेंट इज टू वन बाय टू के प्लस वन बाय के, सोल्व कर लो, के इक्विवेलेंट की क्या वैल्यू आ जाएगी, 2k by 3, अरे आ जाएगी ना, जब k equivalent की वैल्यू क्या आ जाएगी 2k, अरे सीरीज में है, सीरीज में है, ये 3k कैसे आएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में ये फॉर्मूला यूज करते हैं ना, और पैरेलल में ये दो हैं, तो उनमें डायरेक्टली k1 plus k2 वाला यूज करेंगे, समझ में आया सभी को, बच्चों आया क्या, इन दोनों का के है पैरेलल में, इसको आप के इक्विवेलेंट निकालोगे तो क्या आएगा, टू के, तो इन दोनों की इक्विवेलेंट स्प्रिंग मैंने बना दी, और उसका क्या निकाल दिया, टू के इक्विवेलेंट निकाल दिया, ठीक है, फिर उसके बाद में ये बची हुई है, ये के है, ये दोनों सीरीज में आ गया, सीरीज में आ गया, तो इन दोनों का के इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा ऐसे, तो क्या आप टाइम पीरियड भी कैलकुलेट कर लोगे बच्चों, बताओ शाबाश, अरे टाइम पीरियड भी कैलकुलेट कर लोगे ना, क्या आएगा टाइम पीरियड,
टी इज टू टू पाई अंडर रूट एम बाय के, के की वैल्यू टू के बाय थ्री। समझ में आया? के की वैल्यू क्या आएगी? टू के बाय थ्री। अब ध्यान से देखना और अच्छे से करना। शाबाश, आ जाओ बच्चों। आपके पास ये यहां पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, एक स्प्रिंग के साथ अटैच है, इसका मास एम है और दोनों स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है के एंड के। जब मैं इसको इधर डिस्प्लेस करूंगा एक्स, तो बताओ इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा? जल्दी बताओ। ये 2021 में फेब वाले जेई मेंस में आया था, बहुत इजी क्वेश्चन है, जेई मेंस में आया था ये। और ये मैंने नोट्स में करवाया था बच्चों को, ये मैंने नोट्स में करवाया था बच्चों को। ध्यान से देखो, जब इसको डिस्प्लेस करेंगे इधर तो क्या ये वाली स्प्रिंग, राइट वाली स्प्रिंग कंप्रेस हो रही है? अरे कंप्रेस हो रही है ना, हो रही है या नहीं, पहले ये बताओ। अरे कंप्रेस हो रही है या नहीं राइट वाली स्प्रिंग और लेफ्ट वाली स्प्रिंग? राइट वाली स्प्रिंग एक्स से कंप्रेस हो जाएगी और लेफ्ट वाली स्प्रिंग एक्सपेंड हो जाएगी। तो राइट वाली स्प्रिंग जब कंप्रेस होगी तो राइट वाली स्प्रिंग किधर फोर्स लगाएगी? इधर, कितना? के एक्स, हाँ कि ना? और लेफ्ट वाली स्प्रिंग जब एक्सपेंड होगी तो वो किधर फोर्स लगाएगी रेस्टोरिंग? वापिस अपनी मेन पोजिशन पर जाने के लिए, के एक्स। तो ये तो वही केस हो गया जो पैरेलल में होता है। अरे तो वही केस हो गया ना जो पैरेलल में होता है, अरे हाँ कि ना? पैरेलल में ऐसा हुआ था ना, यस। तो ये बच्चों दिखने में सीरीज है बट ये क्या है? पैरेलल है। कॉम्बिनेशन कैसा है? पैरेलल। दिखने में तो सबको सीरीज लग रहा होगा, इसके इधर स्प्रिंग सीरीज में लगी हुई, पर कॉम्बिनेशन कैसा हो गया? पैरेलल। तो आप लिखोगे के इक्विवेलेंट की वैल्यू के वन प्लस के टू, तो डायरेक्टली आ जाएगी टू के। डायरेक्टली क्या आ जाएगी? टू के। तो टाइम पीरियड क्या आ जाएगा? टी इज टू टू पाई अंडर रूट एम बाय के इक्विवेलेंट। अब के इक्विवेलेंट की वैल्यू आप लोगों को बताइए, के इक्विवेलेंट की वैल्यू आप लोगों को बताइए, हाँ कि ना बच्चों, बताओ। अरे हाँ कि ना, बस। तो फिर और क्या दिक्कत, कर लोगे ना? यस, अच्छी बात है। आगे चलें? अरे आगे चले क्या, आगे आ जाओ। आगे आ जाओ बच्चों। अब बच्चों बात करते हैं कि मान लो हमारे पास एक ऐसे स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, पहले स्प्रिंग थी हमारे पास, ऐसे थी ना, हाँ। अब इसके साथ मैं मास अटैच करूंगा तो स्प्रिंग एक्सपेंड होगी या नहीं होगी, पहले ये बताओ। इसके साथ अगर मैं मास अटैच कर दूं तो स्प्रिंग एक्सपेंड होगी या नहीं होगी? जल्दी बताओ, शाबाश।
यस अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि एम जी फोर्स लगेगा। तो बच्चों कुछ इस तरीके से हो जाएगी स्प्रिंग। और एक पॉइंट पे आके रेस्ट पे आ जाएगी या नहीं आ जाएगी, ध्यान से देखना है, अच्छे से समझना है सभी ने। यहां पे रेस्ट पे आ गई, रेस्ट पे कब आई कि सर यहां पे नीचे तो एमजी लग रहा है, और स्प्रिंग जब एक्स एक्सपेंड हुई, एक्स डिस्टेंस एक्सपेंड हुई, तो स्प्रिंग में रेस्टोरिंग फोर्स डेवलप हुआ, वो हुआ माइनस के एक्स, समझ में आया। और जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तब स्प्रिंग रेस्ट पे आ जाएगी, आ जाएगी या नहीं आ जाएगी। हाँ अच्छी बात। अब बच्चों ये हो गई इसकी मीन पोजीशन जहां पे नेट फोर्स जीरो, यहां पे के जी इज टू, अरे ये एक्स नोट मान लेते हैं, अभी एक्स नोट एक्सपेंड हुआ तो यहां पे इसमें फोर्स क्या है, इसमें के एक्स नोट। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि इस केस में के एक्स नोट इज टू एम जी होगा, के एक्स नोट इज टू क्या होगा, एम जी होगा, हाँ के ना, जल्दी बताओ बताओ बच्चों, हाँ कि ना, यस। तो ये क्या हो गई, यहां पे नेट फोर्स जीरो है यानी बिल्कुल है, तो ये क्या हो गई इसकी मीन पोजीशन, बिल्कुल। अब बच्चों जब मैं इसको इसकी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस कर दूं, इसको मैं पकड़ के खींचता हूं ऐसे, तो देखो ध्यान से ये मीन पोजीशन से डिस्प्लेस हो गया, हो गया या नहीं हो गया, ये आ गया इसका x, ये आ गया इसका x, और टोटल आप लिख दोगे x फाइनल, समझ में आया। तो अगर मैं इसको x डिस्प्लेस करूंगा फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन, तो आप मेरे को एक बात बताओ, पार्टिकल किसके अबाउट ऑसिलेट करेगा, इसके अबाउट या इसके अबाउट, इसके अबाउट करेगा जिसको मैंने ये नाम दिया मीन पोजिशन, या इसके अबाउट करेगा नेचुरल लेंथ, मीन पोजिशन के अबाउट ऑसिलेट करेगा पार्टिकल, है ना, यस yes. x फाइनल की वैल्यू आ गई सर, इस हिसाब से तो सर x फाइनल की वैल्यू आ गई x नोट प्लस x। बच्चों अटक रही है क्या आवाज, आवाज वगैरह तो नहीं अटक रही, क्या अटक रही है, अरे आवाज अटक रही है क्या, नहीं नो सर, ओके चलो आ जाओ, ओके आ जाओ, देखो ध्यान से सभी बच्चे देखेंगे अब। तो बच्चों यहां पे मैंने पार्टिकल को इतना एक्सपेंड कर दिया, या स्प्रिंग को इतना एक्सपेंड कर दिया एक्स फाइनल, समझ में आया। इस इंस्टेंट पे इस पे नीचे फोर्स लग रहा है एमजी, और ऊपर क्या लग रहा है, माइनस के एक्स नोट प्लस एक्स, हा कि ना, अरे x इधर आपने पॉजिटिव लिया है तो आप क्या लोगे ऊपर की डायरेक्शन में, नेगेटिव, अरे हाँ कि ना, यस। तो आप देखोगे यहां पे जब पार्टिकल को आपने एक्सपेंड किया तो के एक्स नोट था जब तक स्प्रिंग में फोर्स, जब तक तो mg के बराबर था, अब क्या ये के एक्स प्लस एक्स नोट क्या ये mg से बड़ा हो जाएगा, क्या ये बच्चों mg से बड़ा हो जाएगा, हाँ कि ना, हाँ। तो पक्का छोड़ते के साथ में ये उधर भगेगी स्प्रिंग ऊपर की डायरेक्शन में, हाँ। तो हम नेट फोर्स निकालेंगे इस इंस्टेंट पे, तो हम लिखेंगे एफ नेट इज टू माइनस के एक्स प्लस एक्स नोट, और एम जी नीचे लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन टू दिस फोर्स, तो हम लिखेंगे प्लस एम जी, क्योंकि देखो ध्यान से देखना है सभी ने, ऊपर नेगेटिव है तो नीचे पॉजिटिव है, x को हमने पॉजिटिव माना तो mg को क्या मानेंगे, पॉजिटिव, तो ऐसे लिख देंगे
लिख देंगे या नहीं लिख देंगे? अरे लिख देंगे ना, यस। तो हम लिखेंगे एफ नेट इज इक्वल टू माइनस के एक्स नॉट प्लस एम जी। अब बच्चों ध्यान से देखना और अच्छे से समझना, क्या के एक्स नॉट की वैल्यू एम जी के बराबर है? अरे क्या के एक्स नॉट की वैल्यू एम जी के बराबर है? यस। तो ये दोनों कट जाएंगे, एक प्लस का एक माइनस का, तो एफ नेट की वैल्यू आ जाएगी माइनस के एक्स। तो आप देखो फाइनली ये जो एक्स आया है, ये स्प्रिंग की टोटल एक्सपेंशन आया है, स्प्रिंग की मीन पोजिशन से एक्सपेंशन आया है। अरे ये जो फाइनल फॉर्मूले में एक्स आया है, ये स्प्रिंग का टोटल एक्सपेंशन आया है, मीन पोजिशन से एक्सपेंशन आया है, मीन पोजिशन से। यस। तो याद रखना है आपने, स्प्रिंग को मीन पोजिशन से आप कितना डिस्प्लेस करते हो, फॉर्मूले में वही एक्स यूज करना है, फॉर्मूले में वही एक्स यूज करना है। डजंट मैटर कि स्प्रिंग ब्लॉक के ऊपर क्या फोर्स लग रहा है, डजंट मैटर कि ब्लॉक के ऊपर क्या फोर्स लग रहा है, समझ में आया? दूसरी बात, आपसे बोल दे कि भाई बताओ ये जो एक्स नोट आया था इसकी वैल्यू क्या होगी, ये जो एक्स नोट आया था इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आप यहीं से निकालोगे एक्स नोट की वैल्यू, एक्स नोट इज टू एम जी बाई के, समझ में आया? कि बताओ मीन पोजिशन की दूरी क्या होगी नेचुरल लेंथ से, जब ऐसे लटकाओगे तो वो आ जाएगा एम जी बाई के, समझ में आया? और जो ये एक्स आया है, ये आया है एक्सपेंशन फ्रॉम मीन पोजिशन इन डाउनवर्ड, देखो ध्यान से आ गया ना, यस। तो चाहे एम जी लगे या ना लगे, ध्यान से देखना, चाहे एम जी लग रहा हो, हम किसी के बारे में ध्यान नहीं देंगे, हम डायरेक्ट देखेंगे मीन पोजिशन से डिस्टेंस क्या है, वो एक्स ले लेंगे और डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। तो अगली बार जब क्वेश्चन सोल्व करो तो आपको क्या करना है, आप लिखोगे एफ इज टू माइनस के, मीन पोजिशन से कितना एक्सपेंड किया एक्स, फिर ओमेगा की वैल्यू क्या लिख दोगे, अंडर रूट के बाय एम, समझ में आया? और फिर टाइम पीरियड लिख दोगे टू पाई बाय ओमेगा, समझ में आया नहीं आया, कर लोगे ना अगली बार? अरे बताओ। हाँ, अब कई बार बच्चे ना इस चीज को देख के घबरा जाते हैं, कई बार बच्चे इस चीज को देख के घबरा जाते हैं, तो याद रखना पहली बात इस तरह के क्वेश्चन में हम लिखेंगे टू फाइंड टाइम पीरियड, भाई इतना बड़ा लोचा थोड़ी करेंगे, टू फाइंड टाइम पीरियड वी कैन नेगलेक्ट ग्रेविटी एंड इनिशियल एलोंगेशन, समझ में आया क्या बच्चों? हाँ, अच्छी बात है, आ गया ना, बिल्कुल अच्छी बात है, यस। तो आप बोलोगे क्या सर ये इसी केस में होता है या अदर केसेस में भी होता है? मैं बोलूंगा देख, मान ले एक ऐसे स्प्रिंग लोक सिस्टम, ठीक है, ऐसे रखा हुआ था, है ना, अगर मान लो मैं इस पे कांस्टेंट फोर्स इस डायरेक्शन में लगा दूं, कांस्टेंट फोर्स कोई भी, तो क्या ये यहीं पे रहेगा कहीं और जाके रुकेगा, यहीं पे रहेगा या कहीं और जाके रुकेगा? अभी इस पे कुछ नहीं लगाया हमने, तो क्या ये नेचुरल लेंथ पे इसकी मीन पोजिशन हो जाएगी? क्या नेचुरल लेंथ पे ही स्प्रिंग की इसकी मीन पोजिशन हो जाएगी? है ना,
पर अगर मैं इस पे कांस्टेंट फोर्स लगा दूं, तो क्या कहीं थोड़ा और आगे जाके मीन पोजीशन आएगी, जहां पे एफ एक्सटर्नल जो आपने लगाया वो माइनस के एक्स नोट के बराबर आ जाएगा। ये एक्स नोट समझ में आया, समझ में आया क्या? आया ना? ये कांस्टेंट फोर्स लगा रहा हूं तो ये एक्स नोट एक्सटर्नल फोर्स आ गया, यहां पे क्या आ जाएगी? नेट फोर्स जीरो। जहां पे नेट फोर्स जीरो होगी वो हो जाएगी आपकी मीन पोजीशन, वो हो जाएगी आपकी मीन पोजीशन। अब नई मीन पोजीशन ये आ गई ना, इस केस में तो यही थी नेचुरल लेंथ पे, अब क्या मीन पोजीशन नेचुरल लेंथ पे नहीं, नहीं है भाई, एल प्लस एक्स नोट पे है। ध्यान से सुनना और अच्छे समझना, ध्यान से सुनना और अच्छे समझना, क्या पार्टिकल ऑसिलेट करेगा अगर मैं इस पे अब फोर्स लगाऊं एफ अलग से एक और इसको एक्स डिस्प्लेस करूं, तो बताओ पार्टिकल किसके अबाउट ऑसिलेट करेगा, ए के अबाउट या बी के अबाउट? ये एफ एक्सटर्नल तो कांस्टेंट फोर्स है, लगता ही रहेगा, और मैंने अब अलग से फोर्स लगा के इसको एक्सटेंड किया है, बताओ पार्टिकल किसके अबाउट ऑसिलेट करेगा? बी के अबाउट, क्योंकि बी पे नेट फोर्स जीरो है, तो यही मेन पोजीशन है। यस, तो बच्चों ध्यान से देखना इस कंडीशन के कोरस्पोंडिंग, आप बोलोगे यहां पे नेट फोर्स जीरो है तो मैं लिख दूंगा के एक्स नोट इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल, और यहां पे ध्यान से देखो एफ एक्सटर्नल तो ऐसे लग ही रहा है, इधर क्या लग रहा है? इधर लग रहा है के एक्स प्लस एक्स नोट, हा कि ना बच्चों? इधर क्या लग रहा है? के एक्स प्लस एक्स नोट, अरे हा कि ना? इस सिचुएशन में यहां पे तो एफ एक्सटर्नल के बराबर ये था, अब एक्स बढ़ गया तो क्या स्प्रिंग फोर्स बढ़ गया, तो नेट फोर्स इस ब्लॉक पे क्या आएगा? मैं लिखूंगा नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक आएगा, वो आएगा एफ नेट इज इक्वल टू माइनस के एक्स नोट प्लस एक्स प्लस एफ एक्सटर्नल, हा कि ना? अब आप इसको सोल्व करोगे तो आप लिखोगे एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू माइनस के एक्स नोट प्लस के एक्स प्लस माइनस के एक्स नोट माइनस के एक्स प्लस एफ एक्सटर्नल। अब आप बोलोगे सर के एक्स नोट तो एफ एक्सटर्नल के बराबर होता है, तो ये दोनों कट जाएंगे, फाइनल क्या आ जाएगा? एफ नेट इज इक्वल टू माइनस के एक्स। समझ में आया? आया क्या? तो बच्चों जरूरी नहीं है एमजी लगे तभी होगा, जब भी कभी कोई कांस्टेंट फोर्स लग रहा होगा तब यही सिचुएशन आएगी। यहां पे क्या एफ एक्सटर्नल को हमने नेगलेक्ट किया, किया, और यहां पे जो एक्स आया है वो कहां से आया? क्या मीन पोजीशन से आया? हाँ, मीन पोजीशन से आया ना, अरे हाँ कि ना? यस। तो बेसिकली बात ये है कि जब भी किसी स्प्रिंग मास को स्प्रिंग मास या मैं बोलूं स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम पे कोई कांस्टेंट फोर्स लगता होगा तो मीन पोजीशन से पहले का एक्सटेंशन हम नेगलेक्ट कर देंगे, या मैं बोलूंगा कि हम उसमें एक्सटर्नल फोर्स को नेगलेक्ट कर देंगे और मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करेंगे और उसमें वो लिख देंगे डायरेक्टली मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट एक्स इंटू के। समझ में आया नहीं आया? आया क्या? तो लिख लो जब भी कभी कॉन्स्टेंट फोर्स लगेगा तब हम ऐसे ही लिखेंगे। देखो इससे पहले कॉन्स्टेंट तो लग रहा था नीचे एमजी, अरे नीचे एम जी इसमें कॉन्स्टेंट तो लग रहा था, तब भी यही सीन हुआ था, नेगलेक्ट किया था ना, इनिशियल एलोंगेशन को नेगलेक्ट किया था ना। यहां पे भी देखो इनिशियल एलोंगेशन कौन सा है, ये एलोंगेशन इनिशियल ही तो है, इसको नेगलेक्ट कर दिया। समझ में आया? तो बच्चों आज के लिए इतना ही है।
ठीक है। हाँ बाकी कल करेंगे, ठीक है, समझ में आया? यस, बाकी कल करेंगे, ओके। हाँ तब तक के लिए बाय बच्चों सभी को, बाय एवरीवन।